रतन सूत नंबर 8 या महामच्चु विजय सूत्र या महामचुंजय सूत या सूत या महामृत्युंजय सूत नंबर 8 महामारी पर विजय प्राप्त करने का सूत नंबर 8। 7 सूत्र में पहले बता चुका हूं, 8वां इस प्रकार है, यथिंद खीलो पठविंग सीतो सिया चतुभि वाते ही असंपक कप्यो तथुपमं सपुरिसं वदामि यो अरिये सच्चानि अवेच पस्सति इदंपि संघे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यथिंद खीलो पठविंग सीतो सिया, सीत माने होता है जड़ा हुआ और सिया माने होता है दृढ़ता से। यथिंद खीलो, यथिंद खीलो एक बहुत पाली भाषा का एक कमाल का शब्द है। यथिंद खीलो का मतलब है कि एक मुख्य द्वार के जो शहर होता है, क्योंकि पहले सारे शहर सुरक्षित करने के लिए किले के रूप में दीवार से बनाए जाते थे, या तो पत्थर की दीवार या बांस की दीवार या पहाड़ों से घिरा हुआ, रात को सुरक्षा के लिए जानवरों से खास तौर से, या कोई हमला करता हो या चोर चकारी ना आ जाए तो नगर, क्योंकि छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, तो उसको मुख्य द्वार में, क्योंकि लोगों का आना जाना दिन के समय होता था, रात को कोई आता जाता नहीं था, तो रात के समय उसको द्वार को बंद कर लेते थे। उस नगर द्वार के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा खंभा गड़ा करते थे। वो खंभा बेसिकली उसको सील अंग करके बोला जाता था कि यहां सारे लोग सील का पालन करते हैं और ये सील हमारी सुरक्षा करेंगे, ये कभी भी मनुष्य जैसे ये नहीं कांपता है, ऐसे ही मनुष्य नहीं कांपेंगे। उस सील अंग को बाद में सील के अंग को शील अंग किया गया, शील बना दिया तो शील अंग हुआ, और फिर शील अंग से वो शिव अंग हुआ, फिर शिव अंग हुआ, और वो शिव से फिर शिव अंग से शिवलिंग हो गया। यानी ऐसे करते करते सीलों के जो अंग थे वो शिवलिंग में बदल गए, खंबा वही रहा, खंबे के साइज अलग अलग पूरे दुनिया के अंदर हो गए, जहां ईरान से लेके यहां तक वो सारे खंबे मिलते हैं, बहुत सारे उन खंबों पे बुद्ध के चित्र भी मिलते हैं। तो वो खंबे गाड़े जा जाते थे, उनका एक बेस बनाया जाता था, बेस बना के वो गाड़े जा जाते थे, और वो ये माना जाता था कि इस शहर के, इस नगर के, इस गाँव के, इस पूरे रीजन में सब लोग सील का पालन करते हैं और दृढ़ता से करते हैं, जैसे ये गड़ा हुआ है, जैसे इसको हवा नहीं कांप सकती, ऐसे ही यहाँ के मनुष्य को विसील से वो कांपेंगे नहीं। उसी को यहाँ याद किया गया है, उसी बात को महामारी में याद किया गया है जो 8वें नंबर पे है। यथिंद खीलो पठविंग सीतो सिया, यथिंद बोलते हैं जो खंबा होता है उसको यथिंद बोलते हैं। यथिंद खीलो पठविंग माने पृथ्वी में, सीतो सिया का मतलब है दृढ़ता से गड़ा हुआ है। चतुभी वाते ही असंकंपक्यो, चतुभी वाते ही, वाते ही माने, वात माने हवा होती है, चतुभी माने चारों ओर की जो हवा है क्या करती है वो, असंकंपक्यो, असंकंपक्यो का मतलब है कि ए माने नहीं, और संकंपक्यो का मतलब है कि कांपेगा नहीं, जैसे चारों तरफ की हवा से वो खंभा नहीं कांपता है। तथु उपमंग से पुरिसंग वदामी, तथुपमंग का मतलब है तय उपमंग, यानी कि उसकी उपमा से, उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसकी उपमा से, तय उपमंग उस उदाहरण से, से पुरिसंग जो सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो पंचशील वाले पुरुष होते हैं, वदामी, वदामी का मतलब है यहां पर कहता हूं, यानी कि ये बात कही जाती है, जैसे आपने देखा होगा अहं वदामी, ये मैं कहता हूं कि जो सत्पुरुष हैं वो भी नहीं कांपेंगे इस खंबे की तरह जो यहां हैं। यो अर्य सच्चानी अवेच पस्सति, यो माने हो गया जो, अर्य सच का मतलब हो गया जो, अर्य सच जो आर्य सत्य हैं, यानी कि जो ट्रुथ है, नोबल ट्रुथ है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, ये चार बातें अर्य सच है, ये चेंज नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दुख भी है और दुख का कारण भी है, कारण का निवारण भी है और उसका रास्ता भी है, जो भगवान बुद्ध ने बताया, इसलिए ये चार सत्य माने जाते हैं जिनसे कोई व्यक्ति अरिय हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अगर इनको वो चलेगा तो। अवेच माने हैं जानकारी,
असति माने देखता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति अच्छा है और वो अरे सच की जानकारी को अच्छी तरह से समझता है और देखता है कि ये कैसी जानकारी है। इदम्पि संगे रत्नंग पणितंग, यह भी संग में बहुत श्रेष्ठ और अच्छी बात है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्चाई से जितनी भी यहाँ बीमारी हैं वो स्वस्थ हो जाएं, सबका कल्याण हो जाएं, ऐसा रतन सूत्र नंबर 8 में बोला गया। इस प्रकार से नगर के मुख्य द्वार पर ये पंचशील का जो खंबा है ये गड़ा हुआ है बहुत मजबूती के साथ पृथ्वी में, और जिस प्रकार चारों तरफ की जो हवा है इसको कंपित नहीं कर सकती, या चारों तरफ की कितना भी भयंकर तूफान आए वो कंपित नहीं हो सकता, ठीक ऐसे ही सतपुरुष होते हैं, पंचशील वाले पुरुष होते हैं, ये मैं कहता हूं कि वो भी किसी भी व्यसन से या किसी भी पाप कर्म से कंपित नहीं होते, उन पे उसका असर नहीं पड़ता। यो अरिय सच्चानी अवेचेत पसति, जो व्यक्ति अरिय सच्चे मार्ग को अच्छी तरह से देखता है, इस अच्छी बात से, इस संघ की अच्छी बात से सारे प्राणी खुश हों और सब के सब बाकी लोगों का कल्याण करें, मंगल करें, ये इसके अंदर कहा गया है। धन्यवाद।